तो दोस्तों ये जैसे कि देख सकते हो CT 100 है बजाज का, ठीक है, काफी पुराना मॉडल है। CT 100 के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, काफी फेमस गाड़ी था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में क्या है, मतलब 5 साल से पड़ा हुआ है कहीं पे, तो इसको हम रेडी करने वाले हैं। तो रेडी करने के लिए हमको क्या चेक करना होता है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, गाड़ी इंजन हमारा जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो धूल मिट्टी वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर, और जो पेंट का जो हालत है काफ़ी बुरी तरीके से हालत है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले, मतलब इसका जो रिपेयरिंग है किस तरीके से करना होता है। तो चलिए देखते रहिए फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख ही सकते हो कंडीशन जो है, मतलब मिट्टी वगैरह है, शॉकर जो है आगे का ख़राब है, हवा वगैरह नहीं था, हवा हमने दे के रखा है फिलहाल, चेक करना है हमको। तो ऊपर से कंडीशन में दिखा दूँ, तो चलिए पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस गाड़ी को हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं फाइनली स्टार्ट होता है या नहीं। चलिए चाबी तो है हमारे पास, जो कि की जो है वर्किंग है पूरा। चलिए चाबी हमने ऑन कर दिया, अभी क्या करते हैं किक लगा के देखते हैं। चलिए पहले किक लगा के देखते हैं हमारा किक बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा किक स्लिप कर रहा है, जो इसका जो पेनियन है ना किक का पेनियन, वो थोड़ा सा स्लिप कर रहा है शायद, देखो कभी कभी स्लिप कर जा रहा है, समझ लग रहा है फ्रेंड्स, कभी कभी मतलब स्लिप कर जा रहा है, ये देखो एक बार स्लिप कर दिया। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसका जो क्लच है क्लच भी टाइट है, जैसे कि देख सकते हो क्लच मतलब पूरा टाइट है, जैसे कि हम दबा रहे हैं दबाने पे पता चल रहा है, इसका जो साउंड है साउंड सुन के हमको पता लग रहा है काफ़ी टाइट है, तो क्लच को भी हमको लूज़ करना होगा। तो चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ का जो 12 mm की जो बोल्ट है उसको हाथ से ही हो जा रहा है फिलहाल। चलिए कोई नहीं, फुल लूज कर दिया हमने, जो कि ये है और लूज नहीं होगा यहाँ से। तो चलिए आप क्या करते हैं दोबारा किक लगा के देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। देखो चलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिलहाल हम क्या चेक करेंगे आप दूसरा स्टेप, जो स्पार्क प्लग है ना फ्रेंड्स, इसका स्पार्क प्लग से स्पार्क हो रहा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। चलिए इसको खोल के एक बार स्पार्क सही से हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब चेक करना पड़ता है हमको। चलिए पहले चेक कर लेते हैं, हाँ स्पार्क हो रहा है गाइस, देख सकते हो मैकेनिक फ्रेंड्स जो स्पार्क है हो रहा है, और किक इसका काफ़ी ख़राब है, देखो फ्रेंड्स स्पार्क हो रहा है, तो देख सकते हो जैसे कि नज़र आ ही रहा है। तो चलिए क्या करते हैं स्पार्क प्लग को खोलते और क्लीन करते दोबारा, और इसका जो कार्बोरेटर है कार्बोरेटर को एक बार ओवरफ्लो करके देखते गंदगी भरा हुआ है या नहीं। तो वैसे तो 5 साल पड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो कार्बोरेटर है उसको क्लीन करना ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ऊपर से पहले जो ड्रेन है ड्रेन करके देखेंगे, जो ओवरफ्लो का बोल्ट होता है उसको खोल के देखेंगे, तो पेट्रोल कैसा है, काफ़ी ख़राब हो ही जाता है वैसे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो जो पेट्रोल का कंडीशन है काफ़ी बुरी कंडीशन है, ठीक है, लाल लाल हो चुका है, मतलब ये देखो गाइस रेउब्जा बन गया पूरा देख सकते हो गाइस जो पेट्रोल है काफ़ी ख़राब भी हो चुका है, अच्छा स्मेल भी काफ़ी आ रहा है, ठीक है, गंदा पेट्रोल है तो स्मेल तो आएगा ही। तो चलिए क्या करते हैं अब बंद कर देते हैं, दोबारा पेट्रोल डालते हम, डाल के फिर देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। और ये जो पेट्रोल था गाइस काफ़ी ख़राब पेट्रोल था, और इस पेट्रोल से मतलब स्टार्ट भी नहीं होने वाला, ठीक है, जो कि पेट्रोल का कोई भी वैल्यू ही नहीं है, मतलब काफ़ी ख़राब है ये पेट्रोल। तो फाइनली हमने ड्रेन करके पूरा पेट्रोल निकल दिया, तो आप क्या करेंगे नया पेट्रोल डालेंगे, ठीक है, उसके बाद स्पार्क प्लग एक बार खोल के वॉश करेंगे फिर दोबारा देखेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हो हम कोई गाड़ी से निकाल के थोड़ा सा हम डाल के चेक करने के लिए, तो वैसे डाल रहा है, तो चलिए पूरा डाल लेते हैं इसको, और ड्रेन हमने जो बोल्ट है उसको कस दिया है पूरी तरीके से, स्टार्ट करने के लिए हमको देखना पड़ता है इस तरीके से। चलिए तो मैकेनिक फ्रेंड्स चलिए आप क्या करते हैं, हमने क्या किया पेट्रोल डाल दिया कार्बोरेटर में थोड़ा सा, और इग्निशन भी हमारा ऑन है, ठीक है, और इसका चोक केबल साइड खोला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा, मतलब किक मार के देखते हैं, और हमने इस तरीके रखा है, अरे बाप रे हो जाएगा भाई, हल्का, चलिए थोड़ा सा चोक लगाते हैं, हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है पर हो जाएगा,
मैकेनिक फ्रेंड्स हो रहा था हल्का हल्का, तो हम क्या करते हैं एक बार स्पार्क प्लग को खोल के चेक कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट ले रहा था होते होते बंद हो जा रहा, तो चलिए क्या करते हैं स्पार्क प्लग को एक बार खोल लेते हैं, मतलब इसका जो इंजन इंजन का कंडीशन है वो मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, सिर्फ जो इसका किक रचट है वो खराब है शायद, ठीक है, और कार्बोरेटर तो हमको वॉश करना ही होगा। तो मतलब ये होता है ब्रांड, मतलब काफ़ी पुराना गाड़ी है तो 5 साल पड़े रहने के बाद भी ये काफ़ी बढ़िया से स्टार्ट होने का लायक है, मतलब तीन बार होगा तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले देखते हैं। तो स्पार्क प्लग का हालत कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, चलिए एक बार उसको वॉश करते हैं। कंप्रेसर चेक कर रहे हैं, कंप्रेसर ठीक है, चलिए इसको एक बार वॉश करके देखते हैं, हो जाना चाहिए वैसे, काफ़ी कंडीशन ठीक ठाक लग रहा है हमको इंजन का जो साउंड वगैरह है। तो मैकेनिक फ्रेंड्स हमने क्या किया, स्पार्क प्लग को क्लीन करके लगाया दोबारा और प्लग कैप भी लगाया, ठीक है, जो कि टूटा हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं एक बार स्टार्ट लगा के देखते हैं, इंजन तो ऑन ही है हमारा, चलिए आप देखते हैं स्टार्ट। अरे बाप रे, देखो गाइस एक ही मतलब एक ही किक में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और हमने एक बार एक्सलेटर देखे देख लेते, वाइट स्मोक मार रहा है गाइस, वाइट स्मोक आ रहा है गाड़ी से, ठीक है, पर स्टार्ट हो चुका है हमारा एक ही किक में, ठीक है, और ये होता है जो कि CT100 का इंजन, काफ़ी बढ़िया, ठीक है, ओल्ड मॉडल का जितना भी इंजन होता था काफ़ी अब काफ़ी मतलब बढ़िया कंडीशन में होता था, ठीक है। तो चलिए आप भी अगर करना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हो, कोई भी पुराना गाड़ी स्टार्ट करने चाहते हो तो जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से आप लोग भी फॉलो करके स्टार्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कार्बोरेटर जो है उसको एक बार वॉश कर ही देंगे क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, ठीक है, आप लोग भी एक बार वॉश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना प्लीज़। तो और एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो उसी तरीके से प्यार देते रहो, बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हो सके तो पहला सा कमेंट भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में फ्रेंड्स।